तो दोस्तों, दिल्ली की जो ऑटो टैक्सी यूनियन है, उन्होंने सरकार का जो प्रस्ताव है किराया बढ़ाने का, उसको जो है क्यों मानने से इनकार कर दिया है और उनका क्या कहना है इस बारे में, मैं आपको सारी जानकारी दूंगा। दिल्ली सरकार जो है, उन्होंने सीएनजी के बढ़ते हुए रेट को देखते हुए ये सभी यूनियन संगठनों को आश्वासन दिया है कि हमने एक समिति बना दी है जो ज़्यादा से ज़्यादा 30 दिन के अंदर अपना जो भी वो विचार विमर्श करेंगी, उसकी रिपोर्ट हमें सौंप देंगी, तो हम उसके बाद किराया बढ़ा देंगे। लेकिन संगठन वाले जो हैं, वो मानने को तैयार नहीं है। वो किराया बढ़ाने को लेकर दिल्ली सरकार से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं और दिल्ली सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया है कि हमें किराया नहीं चाहिए बढ़ा हुआ, हमें सब्सिडी चाहिए सीएनजी पे। तो दोस्तों, आधी से ज़्यादा यूनियन जो हैं, इस किराए के जो सरकार ने जो फैसला लिया है कि हम ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ाएंगे, इसके खिलाफ़ हैं। और वो कहती हैं कि दिल्ली के प्रमुख ऑटो टैक्सी संगठन करेंगे किराया कमेटी का पुरजोर बहिष्कार, ये उनका कहना है। दोस्तों, आधी से ज़्यादा जो यूनियन है वो इसके पक्ष में है कि दिल्ली सरकार सीएनजी के रेट को देखते हुए किराया बढ़ाए, लेकिन आधी से ज़्यादा यूनियन जो हैं वो इस पर नाराज़ हैं। तो दोस्तों, उन्हीं में से ये जो यूनियन है, उन्होंने ये साफ साफ लिखा हुआ है, दिल्ली के प्रमुख ऑटो टैक्सी संगठन करेंगे किराया कमेटी का पुरजोर बहिष्कार। हमारी मांग जनता एवं ऑटो चालकों के हितों के मध्य नज़र रखते हुए ऑटो किराया वृद्धि ना करके सिर्फ और सिर्फ सीएनजी पर सब्सिडी दी जाए। हाँ जी दोस्तों, इनका कहने का मतलब ये है कि हमें किराया नहीं चाहिए बढ़ा हुआ, हमें सिर्फ सीएनजी पे सब्सिडी दी जाए तथा ऑटो टैक्सी, स्कूल कैब, ग्रामीण सेवा, चालकों के जटिल मुद्दों पर सरकार राउंड टेबल यूनियन नेताओं को बिठाकर उनको बुलाकर उनसे बात करे। वह हाई कोर्ट के आदेश अनुसार 236 सड़कों पर, हाँ जी दोस्तों, ये ध्यान से सुन लेना, दिल्ली के अंदर 236 सड़कें ऐसी हैं जिस पर ई रिक्शा चलने पर वैन लगा हुआ है लेकिन इस पे चलते हैं। तो इन यूनियन का कहना है, 236 सड़कों पर ई रिक्शा पर चलने पर रोक लगाते हुए बिना फिटनेस इंश्योरेंस के सड़कों पर दौड़ रहे हैं। हाँ जी दोस्तों, ये 236 सड़कें हैं जहाँ पर ई रिक्शा बिल्कुल अलाउड नहीं है, लेकिन दोस्तों ये बिना फिटनेस के और बिना इंश्योरेंस के, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के भी, इसमें कई ड्राइवर होते हैं वो ऐसे ही दौड़ रहे हैं, इन पर कोई भी एक्शन नहीं लिया जाता। तो इनका कहना है इन पर भी एक्शन लिया जाए। और दोस्तों, इन्होंने और भी कहा है कि अगर सरकार वाकई में चालकों के प्रति ईमानदार है तो काली पीली टैक्सी एवं इकोनॉमिक जो रेडियो टैक्सी है, किराए में वृद्धि करे, जो कि पिछले 9 साल से वृद्धि नहीं की गई है। तो दोस्तों, इनका ये कहना है कि सरकार किराया ना बढ़ाए, सब्सिडी दे हमें सीएनजी गैस पर और ग्रामीण सेवा के जो जटिल मुद्दे हैं उनको सुलझाए, और दिल्ली की 236 सड़कों पे जहाँ ये रिक्शे अलाउड नहीं है और वहाँ पे वो चलते हैं, उन पे जल्द से जल्द ये जो है वैन लगाए। और मैं बता रहा हूँ आपको, और इन्होंने क्या कहा, ये मैं आपको जो है दैनिक भास्कर के माध्यम से आपको जानकारी दे रहा हूँ, और मैं बताता हूँ और इनकी क्या क्या दिक्कतें हैं। और दोस्तों, इन्होंने कहा है कि ऑटो का किराया किसके कहने पर बढ़ा रही है दिल्ली सरकार, ये इन यूनियन का कहना है जो कि कह रहे हैं कि हमें किराया बढ़ा हुआ नहीं चाहिए, हमें सीएनजी पे सब्सिडी चाहिए। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि यूनियन के मांग पर हमने किराया संशोधित समिति का गठन कर दिया है जिसका अध्यक्षता विशेष आयुक्त एसटीए करेंगे। किराया संशोधन समिति में डीसी, उपायुक्त और लेखा उप नियंत्रक के साथ 2 नामित जिला परिवहन अधिकारी और 1 तकनीकी विशेषज्ञ शामिल है। परिवहन मंत्री के इस बयान पर हड़ताल से लौटे यूनियन भड़के। हाँ जी दोस्तों, जो हड़ताल से अभी वापस गए हैं, जिन्होंने हड़ताल की थी, वो इस पर भड़क गए हैं, परिवहन मंत्री के घेराव की धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ये किराया बढ़ाएंगे तो हम परिवहन मंत्री के उनका जो आवास का या फिर उनके ऑफिस का घेराव करेंगे। ट्रेड ऑटो यूनियन के पदाधिकारी राजेंद्र सोनी, किशन वर्मा और एस मंसूरी ने कहा है कि परिवहन मंत्री यह बताएं कि उन्हें किराया बढ़ाने में क्या दिलचस्पी है। यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा है कि हमारी एक मांग है कि दिल्ली सरकार केवल सीएनजी पर ₹35 किलो सीएनजी हमें उपलब्ध कराए,
यूनियन के पदाधिकारियों ने कहा कि दिल्ली सरकार अपनी पार्टी की बनाई यूनियन का सहारा लेकर पूरी दिल्ली की जनता के जेब से महंगाई में पैसा लूटने में लगी है। तो दोस्तों आपने सुन ली, जो यूनियन हड़ताल के पक्ष में थी और जो यूनियन सीएनजी पे सब्सिडी के पक्ष में थी, उन्होंने हड़ताल की थी और उन्होंने ही ये बयान दिए हैं। ये भी खबर मैं आपको दैनिक भास्कर के माध्यम से दे रहा हूँ दोस्तों। अब जो आधी यूनियन बची है दोस्तों, वो तो ना तो हड़ताल में शामिल हुई थी और ना ही वो सीएनजी में सब्सिडी की मांग कर रही हैं। उनका कहना सिर्फ यही है कि दिल्ली सरकार सीएनजी के रेट को देखते हुए हमारे ऑटो और टैक्सी का किराया बढ़ाए, जो कि उनकी मांगें सरकार ने मान ली गई हैं। और बाकी की जो आधी यूनियन जो बची हैं जिन्होंने हड़ताल की थी, उनका कहना ये है कि जो वो यूनियन है वो दिल्ली सरकार की अपनी यूनियन है, उन्हीं लोगों को बिठाकर उनसे बातचीत करके सरकार ने यह फैसला लिया है कि ऑटो टैक्सी का किराया बढ़ाया जाए, जो कि हमें बिल्कुल मंजूर नहीं है, हम इसका बहिष्कार करते हैं और हो सकेगा और तो हम परिवहन मंत्री का घेराव करेंगे। ये उन्होंने धमकी दी है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो ये थी मेरी छोटी सी जानकारी, आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।